हेलो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी किताब का आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर बहुत सिंपल सा है इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा टाइप्स ऑफ गुड्स फ्लो और स्टॉक वेरिएबल क्या होता है उसके बाद सेक्टर्स ऑफ द इकोनमी उनके बीच में सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो क्या होता है और लास्ट में हम सीखेंगे लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है चैप्टर के अंदर स्टार्ट टू एंड अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत जल्दी से हम इस चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे वो इस चैप्टर के बेस पे टिके हुए हैं चलो शुरू करते हैं so, सो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एक इकॉनॉमी के अंदर बहुत सारे तरह के सामान बनाए जाते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ गुड है फाइनल गुड तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर दे आर रिसोल्ड दीज आर फाइनल इन ऑल रिस्पेक्ट एंड विल नॉट चेंज इट्स फॉर्म हर वो सामान जो पूरी तरह से बन चुका है जिसमें फर्दर कोई चेंज नहीं आ सकता जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है और दे आर रेडी टू बी यूज हम इसको फाइनल गुड बोलते हैं तो हर वो सामान जो अपने आप में कंप्लीट हो चुका है जिसमें कोई फर्दर चेंज नहीं आएगा उसको हम फाइनल गुड बोलते ऑल गुड्स आर मेंट आइदर फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स और एज इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स कहता है हर वो सामान फाइनल गुड है अगर वो किसी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम हो जाएगा या किसी प्रोड्यूसर के द्वारा अपनी फैक्ट्री अपनी शॉप अपने गोडाउन के अंदर यूज किया जाएगा फॉर द दर्पज ऑफ प्रोडक्शन

अगर इस फाइनल गुड को खरीदने वाला कंज्यूमर है यानी कि आप और मैं हैं जो हम अपने निजी पर्पस के लिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड यानी कि अगर इसको इस्तेमाल करने वाला एक एंड यूजर है एंड कंज्यूमर है तो ये सामान बन जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड पर अगर इसको यूज करने वाला एक प्रोड्यूसर है यानी कि एक फैक्ट्री वाला है एक शॉप वाला है एक बिजनेस करने वाली फर्म है अगर वो लोग इस फाइनल गुड को खरीदते हैं तो ये बन जाएगा फाइनल फाइनल प्रोड्यूसर गुड ठीक है रहेगा तो ही इसमें कोई चेंज नहीं आएगा पर इसका इस्तेमाल क्योंकि कंज्यूमर कर रहा है तो फिर इसको बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड है और अगर इसका इस्तेमाल एक प्रोड्यूसर कर रहा है अपनी फैक्ट्री अपने शॉप अपने गोडाउन के अंदर अपने बिजनेस के अंदर तो फिर ये हो जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड एग्जाम्पल फाइनल कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल क्या हैं ब्रेड क्लॉथ बुक्स मेडिसिंस दीस आर यूज्ड बाय हाउसहोल्ड्स फॉर देयर कंजम्पशन एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहता है जब एक हाउसहोल्ड जब एक कंज्यूमर एंड यूजर ये सामान खरीदता है अपने निजी पर्पस के लिए अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए तो फिर वो इस पर कुछ खर्चा करेगा इसको परचेज करने के लिए कुछ तो एक्सपेंडिचर करेगा ना कुछ तो पैसा स्पेंड करेगा तो वो जो एक्सपेंडिचर करेगा उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसका मतलब फाइनल गुड्स खरीदने वाला अगर कंज्यूमर पैसे खर्च करेगा तो उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे और इकोनॉमिक्स के अंदर द लेटर सी कैपिटल लेटर सी को हम जब यूज करते हैं तो ये होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ऐसे ही अगर ये फाइनल गुड्स खरीदने वाला प्रोड्यूसर है तो फिर प्रोड्यूसर भी तो इस सामान को खरीदने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करेगा कुछ ना कुछ स्पेंडिंग करेगा एक्सपेंडिचर करेगा तो वो जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल आई विच मीन दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड जैसे कि एक मशीनरी खरीदता है अगर कोई तो फिर वो मशीनरी खरीदने पर जितना भी खर्चा होगा उसको हम क्या बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाई द प्रोड्यूसर सेक्टर तो फाइनल गुड्स आपको समझ आ गए इसके बाद आता है इंटरमीडिएट गुड इंटरमीडिएट गुड का मतलब क्या है ऑल गुड्स विच आर यूज एज रॉ मटीरियल हर वो सामान जिसको यूज किया जाएगा एज अ रॉ मटीरियल इन प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड और इट इज मेंट फॉर रीसेल आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि दो बातें या तो ऐसा सामान जिसको हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे किसी और सामान को बनाने के लिए या फिर इस सामान को हम बेचने के लिए यूज करेंगे तो फिर इस सामान को क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड सच गुड्स आर बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर फर्म फॉर यूज एज रॉ मटेरियल और फॉर द दर्पज ऑफ रीसेलिंग यानी कि हर वो सामान जो किसी और सामान को बनाने में इस्तेमाल होगा एज अ रॉ मटीरियल या फिर हर वो सामान जिसको हम फर्दर रीसेल करते हैं रीसेल कैसे होता है फैक्ट्री होलसेलर को देती है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है डिस्ट्रीब्यूटर आगे जाके रिटेलर को देता है रिटेलर फिर एंड कंज्यूमर को बेचता है तो ये सारे के सारे चेन में रीसेलिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा सामान जो रीसेल होगा या फिर ऐसा सामान जो किसी और सामान को बनाने में एज अ रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा उस सामान को हम आई बोलेंगे आई मतलब इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे राइट right?

कंप्लीटली बना नहीं है यह सामान फाइनल नहीं हुआ है इसलिए इसको यूज नहीं कर सकता इसका फाइनल यूजर तो यह अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही है द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली विल मर्ज इन दैल्यू ऑफ फाइनल गुड कहता है जो इंटरमीडिएट गुड है इसकी जितनी भी कीमत होती है वो अल्टीमेटली समा किसके अंदर जाएगी वो समा जाएगी फाइनल गुड की वैल्यू के अंदर एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि टायर है एक गाड़ी है उसके अंदर चार टायर लगते हैं अब वो जो टायर है बिकॉज दैट टायर बींग यूज एज अ रॉ मटीरियल फॉर कंप्लीटिंग दैट कार ये जो टायर की कॉस्ट है जो टायर की वैल्यू है ये गाड़ी की कीमत के अंदर समा जाएगी अल्टीमेटली जब एक कार मैन्यूफेक्चर आपको कार बेचेगा तो वो आपको टोटल पैसे गाड़ी कंप्लीट गाड़ी के मांगेगा तो इसका मतलब वो टायर की कीमत अल्टीमेटली गाड़ी की कीमत में ही जुड़ जाती है ये मतलब है द वैल्यू ऑफ आई विल अल्टीमेटली मर्ज इन दैल्यू ऑफ फाइनल गुड इट मस्ट बी नोटेड दैट नो गुड इज ऑलवेज फाइनल और इंटरमीडिएट बिकॉज इट इज द यूज ऑफ गुड्स विच मेक्स दैम फाइनल और इंटरमीडिएट कहते हैं हर सामान कभी फाइनल नहीं होता और हर सामान कभी इंटरमीडिएट नहीं होता ये तो डिपेंड करता है वो यूज कैसे हो रहा है वो इस्तेमाल कैसे हो रहा है यानी कि इट डिपेंड्स ऑन दूसेज ऑफ दैट प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स फाइनल गुड्स हैं हम जो बिस्किट खरीदते हैं खाने के लिए वो एक तरह से फाइनल गुड है लेकिन जो उसके अंदर आटा लगता है चीनी लगती है दूध लगता है सॉल्ट लगता है यानी कि जो उसके अंदर सामान लग रहा है वो सामान विच आर बींग यूज इन मेकिंग बिस्किट आर इंटरमीडिएट गुड्स ठीक है सिमिलरली जो क्लॉथ परचेज करते हैं हाउस होल्ड फॉर डेली यूज यानी कि जो कपड़ा आप और मैं खरीद रहे हैं वो कपड़ा हम लोगों के लिए क्या है फाइनल गुड बिकॉज हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम एज इट इज उसको खरीद के पहन लेंगे इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे लिए वो है फाइनल गुड लेकिन जब यही क्लॉथ एक ड्रेस मेकर खरीदता है है ना एक ड्रेस मेकर खरीदता है टेलर खरीदता है फैशन डिजाइनर खरीदता है जब ये कपड़ा और इस कपड़े को यूज करके वो इसका रंग रूप चेंज करता है इससे कोई ड्रेस बना देता है तो वही कपड़ा क्या बन जाएगा उसके लिए इंटरमीडिएट गुड बिकॉज दैट क्लॉथ इज नाउ बींग यूज एज अ रॉ मटेरियल

है तो वही क्लॉथ लेकिन ये डिपेंड कर रहा है उसके यूसेज के ऊपर जब उसको यूज कर रहे हैं एज इट इज विदाउट मेकिंग एनी चेंज विदाउट चेंजिंग फॉर्म ऑफ दैट प्रोडक्ट उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी एज इट इज बनी बनाई चीज को हम यूज कर लेंगे तो फिर तो वो फाइनल गुड है लेकिन जब हम उसको यूज करेंगे एज अ रॉ मटीरियल या फिर उसको यूज करके हम रीसेलिंग में आ, करने वाले हैं उसको खरीद के बेचने वाले हैं तो फिर वो सामान बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड तो ये लाइन होपफुली आपको समझ आ गई कि कोई भी सामान खुद में फाइनल और इंटरमीडिएट नहीं होता हर सामान फाइनल कब होगा या इंटरमीडिएट कब होगा ये डिपेंड करता है उसका इस्तेमाल कैसा होने वाला है राइट right? सो so आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझ आ गए द सेम गुड मे बी फाइनल और इट मे बी इंटरमीडिएट एंड द डिस्टिंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड यूज ऑफ गुड्स तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सवाल आ सकता है कि हाउ अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड और और इंटरमीडिएट फाइनल भी हो सकता है हर सामान भी हो सकता है या फिर कोई भी सामान फाइनल नहीं होता और कोई भी सामान इंटरमीडिएट नहीं होता ये तो डिपेंड करता है उसको यूज कैसे किया जा रहा है उसके एंड यूज के ऊपर हम फोकस करते हैं इसी के बाद फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स करने के बाद हम आते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर अब वो बोलता है कि ऑल फाइनल गुड्स दैट इज द गुड्स बींग रेडी फॉर यूज फाइनल प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस इन द दी आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और कैपिटल गुड्स कहता है हर good, हर फाइनल फाइनल गुड गुड कंप्लीटेड या तो कंज्यूमर गुड बनेगा या वो एक कैपिटल गुड बनेगा तो एक और कैटेगरी हमको समझनी है वॉट आर कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पन गुड्स अपने निजी पर्प के लिए खरीदता है अपनी कोई जरूरत पूरी करने के लिए खरीदता है तो वो सामान हो जाता है कंज्यूमर गुड दीज आर द गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर सैटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वॉन्ट्स दे आर नॉट यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स तो कंज्यूमर गुड क्या है जो आप और मैं एज अ कंज्यूमर खरीदेंगे वो हमेशा फाइनल ही होगा हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदते हम हमेशा जो भी सामान खरीदते हैं purpose, अपने पर्सनल पर्पस अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खरीदते हैं तो वो फाइनल गुड क्या बन जाएगा कंज्यूमर गुड एग्जांपल फूड शर्ट शूज सिगरेट टीवी सेट्स टीवी सेट रेडियो पेन एक्सेट्रा जो कुछ भी आप और मैंने आज तक खरीदा है अपने पर्सनल पर्पज अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो सभी क्या हैं कंज्यूमर गुड बिकॉज वी आर कंज्यूमर्स ऑफ दैट गुड are consumer similarly services services given to consumers by hotel, retails, barber, cobbler etc are also consumer services. तो जो भी गुड या सर्विस एक कंज्यूमर ग्रहण करेगा वो बन जाएगा कंज्यूमर गुड और होगा वो फाइनली तो वो बन जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड नेक्स्ट अब ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं या फिर consumption गुड्स हैं हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं यानी कि कोई कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल हो सकता है जैसे कि ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं ऐसे गुड्स जो हम बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है आमतौर पर एक साल या एक साल से ज्यादा हम जिसको इस्तेमाल करते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं सो दीज आर द गुड्स विच आर यूज फॉर सेवरल ईयरस एंड दे आर अ हायर

गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर और स्लाइटली मोर एक साल या एक साल से थोड़ा बहुत आगे पीछे जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये सेमी ड्यूरेबल हो जाते हैं दीज आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू जैसे कि क्लॉथ क्रॉकरी इलेक्ट्रिक गुड्स ये सब कुछ हम आमतौर पर एक डेढ़ साल के अंदर अंदर बदल देते हैं या फिर ये एक साल के अंदर अंदर खराब या टूट फूट जाते हैं तो ये हो गए सेमी ड्यूरेबल गुड्स फिर आते हैं अगली कैटेगरी नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है ऐसे सामान जिसको हम एक बारी में ही इस्तेमाल करके खत्म कर देंगे तो दीज आर कंप्लीटली यूज इन सिंगल टाइम जैसे कि ब्रेड बटर गैस मिल्क पेट्रोल एक्सेट्रा ये एक बार डलवाओगे गाड़ी में पेट्रोल वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर के लिए चलेगा और फिर वो उसका यूजेज खत्म हो जाएगा ब्रेड बटर आप एक बार खाओगे और वो खत्म हो जाएगा तो ये है सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स और इसके बाद आता है सर्विसेस हर वो जो सर्विस आप बाजार में अपने किसी भी पर्पज को पूरा करने के लिए लोगे वो होते हैं सर्विसेज की कैटेगरी वो गुड्स नहीं है which direct, which Examples, doctor, lawyer, teacher, servant, तो हमने सीखा कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं उसकी कैटेगराइजेशन जिसमें आएगा ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज और फिर आती हैं सर्विसेज तो पहले क्या पढ़ा हमने फाइनल गुड्स फिर

यानी कि ये एक तरह से मशीनरी का काम कर रहा है एक तरह से ऐसा सामान जो किसी और सामान को प्रोड्यूस करने वाला है या फिर इस सामान को यूज करके आप सर्विसेज देने वाले हो अपने कस्टमर्स को सो एनी गुड विच इज यूज एज अ एसेट फॉर एसे पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स इन दी फैक्ट्री और गोडाउन और शॉप या फिर ऐसा गुड जिसको यूज करके आप किसी कस्टमर को सर्विस देने वाले हो ठीक सो कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी टूल्स इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स ये सारी चीजों को हम फ़िक्स्ड एसेट बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में और वो ही फिक्स एसेट्स जिनको इस्तेमाल करके आप दूसरा सामान बनाओगे या सर्विस दोगे किसी को वो इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं ये भी फाइनल है क्योंकि इनको भी आप चेंज नहीं करते फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप जैसा है वैसा ही मैं इस्तेमाल करके आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ एक कैमरा जैसा है वैसा ही यूज करके आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं सिखा रहा हूँ तो वो जो कैमरा है वो जो लैपटॉप या मोबाइल फोन जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है कैपिटल गुड्स बिकॉज मैं उसको यूज करके आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ सो कैपिटल गुड्स मेक प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स पॉसिबल बट दे देस डू नॉट गेट ट्रांसफॉर्म और मर्ज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस फर्क बड़ा सिंपल है कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड के अंदर देखो इंटरमीडिएट गुड भी रॉ मटेरियल की तरह एक सामान को बनाने में इस्तेमाल होगा वो भी किसी और सामान के अंदर यूज होगा और ये जो कैपिटल गुड है एज अ मशीनरी ये भी किसी और सामान को बनाने में यूज होगी अंतर क्या है वो रॉ मटेरियल आईजी इंटरमीडिएट गुड तो उस फाइनल गुड के अंदर यूज होके समा जाएगा वो उसके अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो उसके अंदर ही मर्ज हो जाएगा मिल जाएगा उसके अंदर ही लेकिन कैपिटल गुड जब उस सामान को बनाएगा तो कैपिटल गुड सिर्फ एक माध्यम है उसको बनाने का वो उसमें ग्रहण नहीं हो जाएगा वो उसके अंदर मर्ज नहीं होगा उसके अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा सो इट कैन बी रिपीटेडली अगेन अगेन एंड लेकिन जो रॉ मटेरियल है एक बार उसने अपनी फॉर्म उसने अपना रंग रूप चेंज किया और वो फाइनल गुड में कन्वर्ट हो गया तो उस रॉ मटेरियल को फिर से यूज नहीं कर सकते आपको नया रॉ मटेरियल लाना पड़ता है लेकिन एक मशीन को एक प्लांट को एक इक्विपमेंट को एक टूल को आप बार बार इस्तेमाल करते हो किसी और सामान को बनाने के अंदर ठीक है सो कैपिटल गुड्स विल देयरफॉर

कैसे बताओगे कि कोई सामान कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड है अगेन वो सामान खुद कैपिटल गुड और खुद कंज्यूमर गुड नहीं होता वो सामान तो फाइनल गुड है जैसे कि एक लैपटॉप या एक गाड़ी है तो फाइनली उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन उसका यूजर कौन है उस पर डिपेंड करता है कि वो फाइनल कंज्यूमर गुड है या फिर वो फाइनल कैपिटल गुड है एक एग्जाम्पल ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स सारी मशीनें कैपिटल गुड नहीं होती हैं जैसे कि एक गाड़ी वो भी तो एक मशीन है एक कंप्यूटर वो भी तो एक मशीन है एक लैपटॉप वो भी तो एक मशीन है लेकिन हर मशीन कैपिटल गुड नहीं होती उसका एग्जाम्पल देखो अ कार विच इज यूज बाई अ टूर एंड ट्रैवल कंपनी जैसे कि एक गाड़ी ओला उबर वाले कैब सर्विस में चला रहे हैं टूर ऑपरेटर चला रहा है उस गाड़ी को तो फिर तो वो गाड़ी कैपिटल गुड है क्यों क्योंकि वो गाड़ी से वो किसी और कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन जब यही गाड़ी मैं खरीद के अपने घर पे रख लूंगा अपने पर्सनल ट्रैवल के लिए तो फिर ये तो एक कंज्यूमर गुड हो जाएगा है तो वही गाड़ी है तो सेम कार बट व्हेन इट इज यूज्ड बाय अ टूर एंड ट्रैवल कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग ट्रैवल सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स देन इट बिकम्स अ कैपिटल गुड अदरवाइज इफ इट इज यूज बाई मी और यू एज अ कंज्यूमर देन इट विल बिकम अ कंज्यूमर गुड बहुत सिंपल है गुड खुद कैपिटल नहीं होगा गुड खुद कंज्यूमर नहीं होगा ये तो डिपेंड करेगा उसका यूजर कौन है उसकी यूसेज क्या है राइट right? यहां पर एक और चीज समझनी जरूरी है अगेन पेपर पॉइंट ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड तो एक और बात आई प्रोड्यूसर गुड क्या है प्रोड्यूसर गुड सरल भाषा में अगर आप समझो तो क्या है प्रोड्यूसर गुड हर वो सामान है जो एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल करने वाला है प्रोड्यूसर गुड्स आर दोस ऑफ प्रोडक्शन बाय अ प्रोड्यूसर और विच आर इन दी प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स यानी कि हर वो सामान जो एक फैक्ट्री वाला एक शॉपकीपर एक बिजनेसमैन एक प्रोड्यूसर यूज करेगा या तो किसी और सामान को बनाने के लिए या किसी और सामान की प्रोडक्शन करने के लिए या फिर किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो फिर वो तो प्रोड्यूसर गुड है है ना प्रोडक्शन करने के लिए जो यूज होगा वो प्रोड्यूसर गुड है और प्रोडक्शन में दो चीजें यूज होती हैं देखो हर चीज की प्रोडक्शन करने के लिए आपको आपको रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल भी भी चाहिए और आपको भी चाहिए और मशीनरी क्या है इंटरमीडिएट गुड तो हमने लिखा इंटरमीडिएट गुड और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं कैपिटल गुड्स दोनों का ही इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करोगे सिर्फ रॉ मटेरियल खरीद के ले आओगे फैक्ट्री के अंदर और मशीनें नहीं होंगी तो काम नहीं चल सकता और सिर्फ मशीनें रख लो और रॉ मटेरियल सप्लाई ना आए तो फिर मशीन खुद से कुछ नहीं कर सकती सो यू नीड अ कॉम्बिनेशन जहां पर एक कैपिटल गुड भी हो आपकी फैक्ट्री के अंदर और कुछ रॉ मटेरियल भी हो तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी तभी तो प्रोडक्शन होगी तभी तो फाइनल गुड बनाओगे सो so इसका मतलब यह हुआ कि जो इंटरमीडिएट गुड है एंड जो एक कैपिटल गुड है ये दोनों ही प्रोड्यूसर गुड है ये दोनों ही क्या है प्रोड्यूसर गुड क्यों क्योंकि दोनों को ही यूज कौन कर रहा है दोनों को ही यूज करने वाला है एक प्रोड्यूसर सो so, चाहे इंटरमीडिएट गुड है चाहे कैपिटल गुड है बोथ हर प्रोड्यूसर गुड्स राइट लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होते हैं यस yes, सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होते हैं पर क्या सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल होंगे नहीं

आगे चलते हैं इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरी इकोनॉमिक एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आप सीखते हो वो है व्हाट आर फ्लो वेरिएबल्स एंड स्टॉक वेरिएबल्स एक दो नंबर के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर कि स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसके बीच में डिफरेंस क्या है तो पहली बात तो ये करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर हम कॉन्स्टेंट्स की बात नहीं करते हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं वेरिएबल्स की हर उस चीज की जिसकी वैल्यू बदलती जाएगी समय टू समय टाइम टू टाइम उसको हम वेरिएबल बोलते हैं अब कुछ वेरिएबल्स को हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और कुछ वेरिएबल्स को मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है कुछ वेरिएबल्स को हम वैल्यू निकालते हैं उनको मेजर करते हैं उनकी वैल्यूएशन करते हैं उसको नापते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और कुछ चीजों की वैल्यूएशन करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो कहता है अ फ्लो वेरिएबल वेरिएबल इज इज अ अ मेजर्ड विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब किसी चीज को आप नापते हो उसको हम एक फ्लो वेरिएबल बोलते हैं फ्लोज आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लाइक आवर्स डेज वीक्स मंथ्स ईयर इट हैज अ टाइम डायमेंशन अटैच टू इट जब आप किसी भी इकाई को जब आप किसी भी वेरिएबल को नापोगे मेजर करोगे ओवर ओवर अ अ लेंथ ऑफ ऑफ टाइम टाइम पीरियड स्टार्ट टू एंड होगा जिसका उसको हम एक फ्लो वेरिएबल बोलते हैं जैसे कि इनकम ऑफ अ पर्सन तो जब हम इनकम की बात करते हैं कि आपकी कितनी इनकम है तो हम उसके साथ एक एक टाइम डायमेंशन जोड़ते हैं आपकी एक महीने की इनकम कितनी है आपकी एक साल की इनकम कितनी है आपकी एक हफ्ते की इनकम कितनी है आपकी एक दिन की इनकम कितनी है हम ये नहीं बोलते आपकी अभी के पॉइंट की इनकम क्या है इट इज ऑलवेज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसीलिए जो इनकम है वो एक फ्लो वेरिएबल है ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी एक फ्लो वेरिएबल है एक्सपेंडिचर भी एक फ्लो वेरिएबल है डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चेंज इन स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज चेंज इन मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री लेंडिंग्स बोरोइंग्स रेंट प्रॉफिट ये सारे फ्लो वेरिएबल हैं बिकॉज दे आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो यहां से लेके यहां तक मेजर किए जाते हैं आमतौर पर हमने अकाउंट्स के अगर आप स्टूडेंट तो हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो इनकम्स और एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करता है और ये सारी चीजें जब हम स्टार्ट टू एंड नापते हैं वैल्यू करते हैं तो ये बन जाते हैं फ्लो वेरिएबल तो इसके साथ एक टाइम डायमेंशन जुड़ा हुआ है लेकिन स्टॉक में टाइम डायमेंशन गायब है हम 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 इसको 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 नहीं नापते हम नापते हैं इसको at a given point in time. जब हम इसको आज कर रहे हैं गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम स्टॉक वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल इज दैट क्वांटिटी विच इज मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये किसी वक्त पे नापा जाएगा तो अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो, तो हम क्या लिखते थे ट्रेडिंग एंड अकाउंट फॉर द ईयर पूरे साल का है तो हर वो चीज जो ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट के अंदर आपने रिकॉर्ड करी है ना हर वो चीज वो सारी क्या है फ्लो वेरिएबल्स बिकॉज दे आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो आप क्या लिखते थे दिस बैलेंस शीट इज एज ऑन 31 मार्च 2023 या 2024 तो आप बैलेंस शीट को एक टाइम पर बना रहे हो तो बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीजें आप लिख रहे हो एसेट्स ऑन लाइबिलिटीज या कैपिटल मेनली तो वो सभी क्या हैं स्टॉक वेरिएबल बिकॉज दे आर मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल ऑन अ पर्टिकुलर डेट अ कंट्री ओन्स द एंड हैज स्टॉक ऑफ मशीन बिल्डिंग असेसरीज रॉ मटेरियल एक्सेट्रा इट इज स्टॉक ऑफ कैपिटल एक वक्त पर एक देश में कितनी मशीनरी है कितनी बिल्डिंग है कितना रॉ मटेरियल है कितना कैपिटल है किसी भी एक दिन पर जब आप इसको नापोगे तो ये क्या बन जाएगा एक स्टॉक वेरिएबल तो चाहे आप किसी भी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाप लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नापो या आप किसी भी चीज को एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम नापो रहेंगे तो वो वेरिएबल्स ही बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर वैल्यू अगर वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम है तो वो हो जाएंगे फ्लो वेरिएबल और अगर एट अ पर्टिकुलर पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम है तो फिर वो हो जाएंगे स्टॉक वेरिएबल इनकम किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है किसी भी व्यक्ति की जो कमाई है वो तो होती है फ्लो वेरिएबल क्योंकि हम इनकम को नापते हैं स्टार्ट टू एंड एक साल एक महीने के अंदर लेकिन उस व्यक्ति की वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है मैं कितना वेल्दी हूँ मेरे पास क्या वेल्थ है मेरी क्या नेटवर्थ है वो हम आज नापेंगे एक गिवन टाइम पे नापेंगे लेकिन मेरी क्या इनकम है मेरी क्या कमाई है वो हम एक साल की नापेंगे या एक महीने या एक टाइम की नापेंगे सो इनकम इज अ फ्लो वेरिएबल एंड वेल्थ इज अ स्टॉक वेरिएबल ठीक है तो आपको ये मोटी मोटी बातें समझ आती हैं इसके बाद हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है इन्वेस्टमेंट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दी इकोनॉमी की यानी कि एक इकॉनमी के अंदर कितनी कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन टू दैपिटल गुड्स लाइक स्ट्रक्चर इक्विपमेंट और इन्वेंट्री दैट एड्स टू दी फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकॉनमी तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक साल में एक देश या इकोनॉमी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर यानी कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो अपने बिजनेस में पूरे साल भर में इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं दो जगह इन्वेस्ट करेंगे या तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर या स्टॉक के के अंदर अंदर तो कितना पैसा एक एक साल भर में एक के अंदर, सभी प्रोड्यूसर्स ने पूरे देश भर में इन्वेस्टमेंट करी चाहे वो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स में करी चाहे वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ गुड्स के अंदर करी तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट यानी कि देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी

कितना आया है उसको हम नापेंगे और इसीलिए हम उसको बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन तो इन्वेस्टमेंट क्या है अगर मैं अपनी बात करूं अपने बिजनेस की बात करूं या आप किसी भी बिजनेसमैन के बारे में सोचो तो वो एक साल में कितना पैसा अपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है या कितना पैसा अपने फिक्स्ड एसेट में लगा रहा है या कितना पैसा वो अपने स्टॉक ऑफ गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई पी फिनिश स्टॉक के अंदर लगा रहा है तो वो टोटल उसकी पूरे साल भर की इन्वेस्टमेंट होती है राइट और इस इन्वेस्टमेंट को ही हम एक नया नाम दे देते हैं जो कि होता है कैपिटल फॉर्मेशन सो देर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर यूज इंटरचेंजेबली मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट दो तरह से की जा सकती है एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक होती है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो पैसा या जो इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस ने अपने फिक्स्ड एसेट्स में करी है

साल के एंड में उसके पास 15 मशीनस हैं तो ऐसा क्या किया उसने उसने 5 मशीनस खरीदी होंगी अपने बिजनेस के लिए तो 5 मशीनस इज दी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट बिजनेस तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हुई 5 मशीनस तो जितना भी पैसा एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स में लगाएगा उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे और इसके ऑपोजिट अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर पूरे साल भर में कितना पैसा इन्वेंट्री में लगाएगा स्टॉक में लगाएगा उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इट रेफर्स द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर ऑन दिनिश गुड्स सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल तीन तरह के होते हैं ना कोई भी बिजनेस के अंदर या तो रॉ मटेरियल की स्टेज में सामान होगा या डब्ल्यू आईपी वर्क इन प्रोग्रेस में होगा या फिर वो फिनिश गुड्स में होगा तो एक साल भर में कितना पैसा एक बिजनेसमैन ने अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाने में लगा दिया उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और एक बात हमेशा याद रखो सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस ग्रो नहीं करता और सिर्फ सिर्फ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करके तब भी बिजनेस ग्रो नहीं करता बिजनेस को दोनों चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ता है मशीन में भी फिक्सड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री में भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अकेली मशीन खरीद लोगे काम नहीं चलेगा क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होगा और अकेला रॉ मटेरियल खरीद लोगे तब भी काम नहीं चलेगा क्योंकि उसको बनाने के लिए कैपिटल गुड मशीनरी नहीं होगी तो बिजनेस में दोनों इन्वेस्टमेंट भी, भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट और जब पूरे देश भर में जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं तो देश की इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती जाती है और इस इन्वेस्टमेंट के कारण ही हर देश तरक्की करता है जीडीपी बढ़ती है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है और देश ग्रो करता है ठीक है अब इसी में आगे भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट उस पे पर चलते हैं अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट जो पूरे साल भर में हमारे देश में हुई है चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स ने फिक्स्ड एसेट्स की परचेज में लगाई हो चाहे उन्होंने स्टॉक या इन्वेंट्री के अंदर पैसा खर्च किया हो उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल तो हमारे देश में 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 जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हैं वो पूरे एक साल भर में कितना पैसा अपने फिक्स्ड एसेट्स लगाते हैं, और कितना पैसा अपने स्टॉक को बढ़ाने में लगाते हैं उस टोटल पैसे को उस टोटल इन्वेस्टमेंट को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है जरूरी नहीं है ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट हमारी नेट प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करे इट इज नॉट नेसेसरी कि जितना भी पैसा हमने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है चाहे फिक्स्ड एसेट के अंदर चाहे स्टॉक के अंदर उस सारे के सारे पैसे से इन्वेस्टमेंट से हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो ऐसा नहीं होता कई बार हमारे फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट कर जाते हैं कई बार हमारे फिक्स्ड एसेट्स खराब हो जाते हैं रिप्लेसमेंट मांगते हैं रिपेयर मांगते हैं अब अगर मेरे पास कोई मशीन है और वो खराब हो जाए और मैं उसकी जगह पर एक मशीन खरीद के लगा दूं तो क्या मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिस्टोर हुई है कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करी है फिर से चेक करो अगर मेरे पास एक मशीन है जो मशीन खराब हो चुकी है ब्रेक डाउन हो चुकी है रिप्लेसमेंट मांग रही है तो अगर मैं उसकी जगह पर एक नई मशीन खरीद के ले आऊं तो क्या मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है या फिर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिस्टोर हुई है दी आंसर इज मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिस्टोर हुई है उसने तो सिर्फ पुरानी मशीनरी की जगह ली है है ना तो इसका मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट हम अपने फिक्स्ड एसेट की रिप्लेसमेंट में लगा रहे हैं जितनी इन्वेस्टमेंट हम अपने फिक्स्ड की रिप्लेसमेंट में लगा रहे हैं वियर एंड टीयर में लगा रहे हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिस्टोर करने में लगा रहे हैं उसको हम प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज के साथ जोड़ नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं डेप्रीसिएशन व्हाट इज डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन इज लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कंजम्शन ऑफ फिक्स एसेट और डेप्रीसिएशन ये जो डेप्रीसी कंजम्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को केवल और केवल रिस्टोर करता है रिप्लेस नहीं करता है एनहेंस नहीं करता है इंक्रीज नहीं करता है हमारे बिजनेस में हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करती है नेट इन्वेस्टमेंट से यानी कि इफ एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट द बैलेंस इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट मींस नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द दिनहड प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एक एग्जाम्पल लेते मान लो मेरे पास टेन मशीन थी स्टार्ट ऑफ दशीन खराब हो गई और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और मैंने फाइव मशीन और खरीदी न्यू ये रिप्लेस जो करिए भी न्यू है

मेरे बिजनेस में प्रोडक्शन कैपेसिटी सेवन मशीन्स के कारण नहीं बढ़ी है ये जो दो मशीन्स थी जो खराब हो गई थी जिनकी मैंने रिप्लेसमेंट करी है वो तो डेप्रीसी है या फिर वो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या फिर वो मेरी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है उस दो मशीन्स पे जो मैंने पैसा खर्चा है वो मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो है पर वो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट नहीं है इसका मतलब मेरी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी नेट इन्वेस्टमेंट है वो वाली पांच मशीनें जो बिल्कुल न्यू हैं और जिनके कारण मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहेंस हुई है वो जो दो मशीन्स थी वो भी मैंने खरीदी थी वो जो पांच मशीन है वो भी मैंने खरीदी है टोटल तो मैंने सात मशीन्स खरीदी है लेकिन सात में से केवल मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी पांच मशीन के कारण एनहेंस होगी तो वो जो पांच मशीन हैं ये मेरी नेट इन्वेस्टमेंट है टोटल मैंने कितनी खरीदी है सात तो वो मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और सात में से जितनी मशीन मैंने रिप्लेसमेंट में लगा दी है वो मेरी है राइट या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सो हमारे देश में आगे हम पढ़ेंगे कि सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होते हैं ये सेक्टर्स ऑफ द इकॉनॉमी आपने पढ़ा हुआ है आज तक ये देखो ऑल दी प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकॉनमी आर क्लासीफाइड इन टू अ प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर ये तो आप पढ़ते आए हो बचपन से ही प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर मतलब की इंडस्ट्री और टर्शरी यानी कि सर्विस ओर सेक्टर तो हम अपनी इकोनॉमी को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं एक एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर उससे जुड़ी हुई अलाइड एक्टिविटीज है एक इंडस्ट्री मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है और दूसरा सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है जहां पे सर्विसेज का लेन देन होता है ये आप पढ़ चुके हो लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम अपने देश को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में तो बांटते ही हैं वो तो एक अलग चर्चा है लेकिन आज से मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए हम इकोनॉमी को चार भागों में डिवाइड करेंगे जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या है ये वो वर्ग है ये वो हिस्सा है हमारे देश का विच कंप्राइज ऑफ दी कंज्यूमर्स यानी कि हमारे देश भर में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको हम हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं यानी कि कंज्यूमर सेक्टर ठीक तो एक तरफ हो गए कंज्यूमर्स हाउस होल्ड सेक्टर दूसरा आता है प्रोड्यूसर सेक्टर यानी कि हमारे देश में कितने लोग हैं हमारे देश में कितने बिजनेसेस हैं जो प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारे क्या हो गए प्रोड्यूसर सेक्टर तो देश में प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर सेक्टर देश में कंजम्पन करने वाले कंज्यूमर सेक्टर ठीक फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर हमारे देश में सरकार भी तो अपना रोल प्ले करती है गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर करती क्या है वो एक वेलफेयर एजेंसी की तरह काम करती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करती है डिफेंस करती है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती है अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये प्रोड्यूसर भी है और ये कंज्यूमर भी है गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर का भी काम निभाता है यानी कि गवर्नमेंट बिजनेस भी करती है अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू सरकारी बैंक सरकारी कंपनियां जो हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर में भी आती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंजम्पशन सेक्टर भी है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के अंदर भी तो कंजम्पशन हो रही है सरकारी डिपार्टमेंट्स भी तो हैं जो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड का भी रोल निभाता है पर वो लिमिटेड है फॉर दर्पज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर इसलिए हमने तीन सेक्टर अभी सीख लिए एक हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें सारे कंज्यूमर्स कंजम्पशन करेंगे एक प्रोड्यूसर सेक्टर जिसमें सारे के सारे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे सामान सर्विसेज बनाने और बेचने का काम करेंगे और एक गवर्नमेंट सेक्टर जो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करेगी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगी इसके अलावा अगर हम अपने देश को छोड़ दें तो देश से बाहर जितने भी देश हैं हमारे देश से बाहर जितने भी वर्ल्ड ओवर देश हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर या फिर एक्सटर्नल सेक्टर तो हमारे देश के अलावा जो कुछ भी बाहर है वर्ल्ड के अंदर वो सब क्या है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर अब एक्सटर्नल सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है ये रोल है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड ये रोल है कैपिटल के फ्लो से रिलेटेड यानी कि एफ बाहर इन्वेस्टमेंट करना इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना तो ये जो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल है फ्लो ऑफ कैपिटल है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इसका रोल हम लगाते हैं अपने सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर के साथ तो चार सेक्टर हाउस होल्ड कंज्यूमर वाला प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन वाला गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन वाला और इंडिया को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है एक्सटर्नल सेक्टर ठीक अब यहां पर एक बात आपको समझनी है वो ये है ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चार लैंड लेबर कैपिटल और सो लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसका मालिक कौन है इसका मालिक है हाउस होल्ड सेक्टर आप और मैं हम लोग ही हैं जो लैंड ओन करते हैं हम लोग ही हैं जो अपनी लेबर प्रोवाइड करते हैं हम लोग ही हैं जो एंटरप्रनोरशिप स्किल एंड डेवलपमेंट अपने पास रखते हैं और हम लोग ही हैं जो पैसा मुहैया कराते हैं कैपिटल देते हैं बिजनेस चलाने के लिए सो वी आर हाउस होल्ड सेक्टर एंड वी आर ऑल्सो ओनर्स ऑफ दीज लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रीनोरशिप विच आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये मालिक तो है इन सब का लैंड लेबर कैपिटल एंट्रप्रोरशिप का लेकिन ये यूज नहीं करता इसको ये किसको देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को तो यहां पर क्या लिखा है द प्रोड्यूसर सेक्टर हायर और टेक्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर सो अल्टीमेटली ये जो लैंड लेबर कैपिटल है इसको यूज करने, करने वाला है इसको यूज करने वाला है प्रोड्यूसर सेक्टर जो प्रोडक्शन करेगा एक प्रोड्यूसर एक बिजनेसमैन एक फैक्ट्री वाला एक शॉपकीपर एक बिजनेसमैन करता क्या है वो लैंड का इस्तेमाल करता है वो लेबर का इस्तेमाल करता है वो पैसे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है यूज करता है और फिर वो अपना स्किल डेवलपमेंट लगाता है टैलेंट लगाता है एंटरप्रनियरशिप लगाता है तब जाके प्रोडक्शन पॉसिबल होती है ठीक गवर्नमेंट सेक्टर लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस सिचुएशन मेंटेन करती है और एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फ्लो ऑफ कैपिटल से जुड़ा हुआ है तो ये जो चार सेक्टर्स ऑफ द इकोनमी है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस के अंदर अब आते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो के ऊपर इंटरसेक्टोरल फ्लोज का मतलब है ये जो अभी हमने सेक्टर्स ऑफ द इकॉमी पढ़ा ना हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये सभी सेक्टर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं ये एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं इसीलिए देर इज एन इंटर डिपेंडेंस बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ये एक दूसरे से अलग नहीं है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं सेक्टर्स हैं क्टोरल इंटर डिपेंडेंसीज आर सैटिस्फाइड एक्सचेंज एंड दिस एज वेल एज फ्लो ऑफ गुड्स तो ये जो सेक्टर है ना इनके बीच में सामान का लेन देन भी चलता रहता है इनके बीच में पैसों का लेन देन भी चलता रहता है तभी तो हम इनको बोलते हैं दे आर इंटर डिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड सेक्टर्स अब यहाँ पर हम समझते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है मनी फ्लो क्या होता है और सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो क्या होता है एक काम करते हैं रादर देन हम इस सारी चीज को पढ़ें हम यहाँ से डायग्रामेटिक वे में समझते हैं फ्लोज क्या होते हैं तो मैं आपको टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में समझा रहा हूँ एक टू सेक्टर इकोनॉमी में एक तरफ हो गया हाउस होल्ड या कंज्यूमर सेक्टर और एक तरफ हो गया प्रोड्यूसर या फर्म है ना इकॉनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर भी है और प्रोड्यूसर सेक्टर भी है गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दर्ल्ड को एक बार इग्नोर कर देते हैं हमने ये सीखा था कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है कंज्यूमर सेक्टर है वो सेक्टर मालिक है लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप अब हाउस होल्ड सेक्टर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का करेगा क्या वो प्रोडक्शन तो कर नहीं रहा प्रोडक्शन करने के लिए तो हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर है फर्म है बिजनेसेस हैं हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है ये लैंड ये कैपिटल ये इंटरप्रेन्योरशिप और ये लेबर इसको देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को तो यहां पर एक फ्लो स्टार्ट होता है जो फ्लो निकलता है हाउस होल्ड सेक्टर से और जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास क्या हुआ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रन्योरशिप हाउस होल्ड सेक्टर जिसके पास है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को देगा इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर अब ये प्रोड्यूसर सेक्टर का करेगा क्या एक बिजनेसमैन एक फैक्ट्री वाला लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रोनरशिप से करता क्या है प्रोडक्शन तो करता है इसका मतलब यहां से अब जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करके सामान बनाएगा और सामान किसको दे देगा बना के वो सामान बना के दे देगा हाउस होल्ड सेक्टर को क्योंकि अल्टीमेटली प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करेगा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रिप का यूज करके जो प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की उसको यूज कौन करने वाला है प्रोड्यूसर सेक्टर तो माल बनाता है इस्तेमाल कौन करता है कंज्यूमर हाउस होल्ड सेक्टर तो जो हाउस होल्ड सेक्टर ने सर्विसेज या फैक्टर इनपुट्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए थे प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसका इस्तेमाल करके सामान बनाया और सामान बनाने के बाद उसको सप्लाई कर दिया कंज्यूमर सेक्टर को तो यहां पर क्या हो रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास सामान का लेन देन हो, हो, हो रहा है दो तरह के फ्लो दिख रहे हैं आपको यहां पर एक फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से गया है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास और दूसरा फ्लो प्रोड्यूसर सेक्टर से गया है हाउस होल्ड सेक्टर के पास और इन दोनों फ्लो के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसको बोलते हैं ये जो ग्रीन वाले हैं इसको बोलते हैं रियल फ्लो क्या बोलते हैं रियल फ्लो बिकॉज यहां पर सामान का लेन देन हो रहा है चीजों का लेन देन हो रहा है ठीक है अब यह लेन देन अल्टीमेटली चुकाया भी तो जाएगा अगर मैं अपनी लैंड आपको दे दूं इस्तेमाल करने के लिए तो क्या मैं आपको फ्री में दूंगा नहीं इसके बदले आप मुझे रेंट दोगे अगर मैं आपके लिए एज अ लेबर काम करूं तो क्या मैं फ्री में काम करूंगा नहीं और इसके बदले आप मुझे क्या दोगे वेजेस और अगर मैं अपना पैसा अपनी पूंजी अपना कैपिटल आपको दो यूज करने के लिए तो ये फ्री में नहीं होगा इसके बदले आप मुझे दोगे इंटरेस्ट और जो एक व्यक्ति अपना स्किल अपना टैलेंट अपनी एंटरप्रनियरशिप यूज करता है बिजनेस के अंदर वो क्यों करता है प्रॉफिट कमाने के लिए सिंपल नहीं तो मैं जॉब कर लेता मैं बिजनेस कर रहा हूं इसका मतलब मैं सारा रिस्क ले रहा हूं फॉर अर्निंग अ रिवॉर्ड विच इज कॉल्ड प्रॉफिट तो एक बात समझो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे चार लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रीनरशिप स्किल एंड टैलेंट एक तरह से मैं ये एस लिख देता हूं इसको ये फ्री के नहीं होते हैं इनके बदले कीमत चुकाई जाती है इनके बदले कॉस्ट पे की जाती है इसके बदले इसकी पेमेंट की जाती है लैंड के बदले रेंट चुकाया जाएगा लेबर को उसकी वेजेस दी जाएंगी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट होगी और एंटरप्रेन्योरशिप अपनी स्किल और टैलेंट और अपने रिस्क के कारण प्रॉफिट कमाएगा अब देखो ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप किसने किसको दी थी ये लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दी थी तो इसकी पेमेंट कौन करने वाला है इसकी पेमेंट करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट टू दी हाउस होल्ड सेक्टर अल्टीमेटली ऐसा ही होगा तो ये जो रेंट इंटरेस्ट वेजेज एंड प्रॉफिट है ये ये कौन पे 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 कर 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 रहा 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 है 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 प्रोड्यूसर सेक्टर सेक्टर हाउस होल्ड को क्यों कर रहा है क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको लैंड दिया दिया था जिसके बदले रेंट जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको लेबर दी थी जिसके बदले वेजेस पे की जाएंगे हाउस होल्ड सेक्टर ने उसको कैपिटल दिया था जिसके बदले वो इंटरेस्ट चुकाएगा और हाउस होल्ड सेक्टर ने सारा का सारा इंटरप्रीनरशिप स्किल टैलेंट दिया था जिसके बदले प्रॉफिट की पेमेंट होगी इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट पेमेंट की जा रही है रेंट इंटरेस्ट वेजेस एंड प्रॉफिट्स की इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स ये किसने चुकाई प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर हाउस होल्ड सेक्टर को अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आ गया पैसा और वो यही पैसा इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है किससे प्रोड्यूसर सेक्टर से वो जो टॉप पे देखो ग्रीन कलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसने की थी वो प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को की थी तो हाउस होल्ड सेक्टर को फ्री में थोड़ी कोई सामान मिलता आप बाजार में जाते हो मार्केट में जाते हो कोई चीज खरीदने जाते हो गुड्स एंड सर्विसेज वो आपको फ्री में नहीं मिलती तो आप हो कंज्यूमर सेक्टर यू गो टू द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे कम फॉर अ पेमेंट आपको उसकी पेमेंट चुकानी पड़ती है और वो पेमेंट क्या होती है consumption expenditure so you have to make payment of goods and services and that is called consumption expenditure jisko hum denote karte hain letter c se ab ye jo aapko yellow region dikh raha hai yellow flows dikh rahe hain ये क्या है ये सभी हैं money flow ये पैसे का flow है और जो आपको green flows दिख रहे हैं वो है रियल फ्लो वहां पे सामान का लेन देन हो रहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लेन देन हो रहा था चीजों का लेन देन हो रहा था और जो ये येलो फ्लोज दिख रहे हैं यहाँ पर पेमेंट्स हो रही है फैक्टर पेमेंट रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट ये पैसों में चुकाया जा रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा हाउस होल्ड सेक्टर को और हाउस होल्ड सेक्टर यही पैसे का इस्तेमाल करके पेमेंट कर रहा है फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं सो so, एक तरफ है रियल फ्लोस ग्रीन एक तरफ है मनी फ्लोस येलो अब ये जो रियल फ्लो है इन रियल फ्लो के ऑपोजिट ही तो मनी फ्लो है चेक करो जब इसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए थे इसके बदले ही तो फैक्टर पेमेंट्स चुकाई गई हैं और ये जो सप्लाई हुई है गुड्स एंड सर्विस की इसके बदले ही तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे किया गया है इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं वॉट एवर आर द रियल फ्लोज दे ऑपोजिट एंड इक्वल मनी फ्लोज तो जो जितने का सामान आप खरीद रहे हो या जितने के आप फैक्ट्री प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे हो उतने की ही तो आपको पेमेंट भी मिलेंगी तो इसका मतलब मनी फ्लोज आर यूज टू सेटल रियल फ्लोज यानी कि मनी फ्लोज आर दी रेसिप्रोकल ऑफ रियल फ्लोज मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज द रियल फ्लोज आर सेटल्ड इन दम ऑफ मनी फ्लोज और रियल फ्लो और मनी फ्लो मैंने आपको समझा दिया ठीक है तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये रियल फ्लो है और जो येलो वाले हैं ये मनी फ्लो है अब ये जो फ्लो है ना कि एक तरफ से फैक्टर प्रोडक्शन जा रहे हैं उसकी दूसरी तरफ से उसकी पेमेंट हो रही है फिर एक तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं दूसरी तरफ से उसकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की पेमेंट हो रही है ये जो फ्लो है ना ये सर्कुलर मोशन में है इसका मतलब कि ये फ्लो कभी भी रुकने वाले नहीं है प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन करता रहेगा कंज्यूमर सेक्टर कंजम्पशन करता रहेगा कंजम्पशन करने के लिए उसको पेमेंट मिलती रहेगी रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट के रूप में और प्रोडक्शन करने के लिए वो पेमेंट चुकाता रहेगा रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट के चक्कर में अब जब तक ह्यूमैनिटी है जब तक ह्यूमन मैनकाइंड है तब तक कंजम्पशन चलती रहेगी बिकॉज इट इज अ इजीन्यूअस प्रोसेस आपको कुछ ना कुछ सामान तो खाने पीने के लिए जिंदा रहने के लिए चाहिए ही है. और ये जो कंजम्पशन है ये नेवर एंडिंग है और एवर इंक्रीजिंग है क्योंकि कंजम्पशन चलती रहेगी कभी रुकने नहीं वाली है इसी का मतलब प्रोडक्शन भी चलती रहेगी रुकने नहीं वाली है तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक कंजम्पशन है तब तक प्रोडक्शन रहेगी और जब तक प्रोडक्शन है तब तक कंजम्पशन रहेगी विच मीन्स दिस सर्कुलैरिटी इज कंटिन्यूस एंड अ कोरिस्पोंडिंग ऑपोजिट फ्लो

मुर्गी पहले आई कि अंडा अंडा पहले आया कि मुर्गी सो so, अभी आज की डेट में और आने वाले फ्यूचर में हमें ये कंजम्पशन चलती नजर आएगी रुकेगी नहीं और इसके अगेंस्ट प्रोडक्शन करते रहेंगे प्रोड्यूसर वो भी रुकेंगे नहीं इसीलिए ये सर्कुलरिटी बरकरार रहेगी हेंस देर इज अ सर्कुलर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच रियल फ्लो इन वन डायरेक्शन देर इज अ मनी और इनकम फ्लो ऑन दी ऑपोजिट डायरेक्शन मैंने आपको बताया ना रियल फ्लो को सेटल करने के लिए ही तो आपको पैसे का फ्लो करना पड़ेगा एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर नेवर स्टॉप इन द दे कीप चेंज चेजिंग वन अनदर इन अ सर्कुलर मैनर ये जो प्रोडक्शन है इनकम जनरेशन है और एक्सपेंडिचर है ये कभी भी इकोनॉमी में रुकता नहीं है और ये एक दूसरे को चेज करता है एक के पीछे लगा रहता है ठीक है एक बहुत इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है नीचे वो पढ़ो द रिसीट्स ऑफ वन सेक्टर फ्रॉम द अदर सेक्टर आर इक्वल टू द पेमेंट्स टू द अदर सेक्टर मैंने आपको बताया ना जितने का सामान आपने खरीदा है उतने की आप पेमेंट करोगे यानी कि जितने का रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उतने का ही मनी फ्लो इन द ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा और जितने लैंड, लेबर, कैपिटल, की सप्लाई हो रही है प्रोडक्शन की सप्लाई हो रही है, जितनी वैल्यू की उतनी ही वैल्यू की आपको रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट पे करना पड़ेगा तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो पेमेंट का फ्लो होता है वो नॉर्मली बराबर होता है लेकिन केस द रिसीट्स आर लेस देन आर लेस देन द सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ जो मनी फ्लो है वो एक दूसरे सेक्टर से कम हो देन दिस सर्कुलैरिटी इज बाउंड टू स्टॉप एट वन पॉइंट और अनदर कहता है ये जो सर्कुलैरिटी है ये तब तक बरकरार रहेगी जब तक आप इस फ्लो को कम नहीं करोगे और अगर किसी ना किसी कारण से ये फ्लो कम होने लगा तो फिर ये जो सर्कुलैरिटी है ये एक ना एक पॉइंट पे जाके थम जाएगी रुक जाएगी और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है ऐसा हो सकता है दो कारणों में या तो बढ़ेगा फ्लो या घटेगा फ्लो जिनको हम बोलते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शन और ये हमारे आज वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा सो so, क्या होती है लीकेज और क्या होते हैं इंजेक्शन लीकेजेस मीन विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो कहते हैं जब इस सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो के बीच में से आप कुछ वैल्यू निकाल लोगे या कुछ वेरिएबल हटा दोगे तो उसको हम लीकेज बोलते हैं दीज आर वेरिएबल्स टू फॉल इन दउटपुट और इनकम इन दी इकॉनमी कहता है ये वो वेरिएबल्स हैं जो आप सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो के बीच में से निकाल दोगे तो ये जो सर्कुलर फ्लो है ये कम हो जाएगा छोटा हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा एंड दिस विलीड टू अ फॉल इन दर आउटपुट इन दी इकॉनमी एग्जाम्पल कहता है जब हाउस होल्ड्स और फर्म्स सेविंग करनी शुरू कर दें जब वो अपने पैसे बचाना शुरू कर दें, तो फिर वो एक लीकेज माना जाएगा यानी कि अगर इकोनमी में जितना पैसा कोई भी सेक्टर ने कमाया दूसरे सेक्टर से और वो उस कमाई को खर्च ना करे उसमें से कुछ पैसा सेव करना शुरू कर दे तो जो पार्ट ऑफ द सेविंग होगी वो इस सर्कुलर फ्लो से बाहर हो जाएगी इसको बोलते हैं लीकेज द लीकेज कैन ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट अगर हम इस ट्विन मॉडल के अंदर टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एक तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट को भी एड कर दें और गवर्नमेंट टैक्स की फॉर्म में पैसे लेना शुरू कर दे और सेक्टर तो इसको भी बोलते हैं leakage, कि कोई भी चीज जो इस सर्कुलर फ्लो को तोड़े उसमें से पैसा बाहर निकाल दे उसको हम लीकेज बोलते हैं ऐसे ही इंपोर्ट भी लीकेज है इम्पोर्ट लीकेज क्यों है जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो सामान बाहर से इंडिया में आता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारी इकोनॉमी में आता है और जिसके बदले हमारे यहाँ से पैसा बाहर चला जाता है तो जब हमारे सर्कुलर फ्लो के अंदर से पैसा निकल के बाहर की इकोनॉमी में चला जाएगा तो हमारी इकोनॉमी छोटी हो जाएगी कम हो जाएगी उसका आउटपुट और इनकम का लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो इम्पोर्ट्स आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो बेसिकली लीकेज रिड्यूसेस रिड्यूस फ्लो ऑफ इनकम एनहेंस सर्कुलर फ्लो इन द इकोनमी अगर ये लीकेज को प्लग नहीं किया गया अगर लोग सेविंग करते रहे वापस उसको इन्वेस्टमेंट में ना कन्वर्ट करें अगर हम इंपोर्ट करते रहें और बाहर से एक्सपोर्ट करके पैसा इंडिया में ना आए और अगर सरकार सिर्फ टैक्स लेती रहे और वापस उसको री इन्वेस्ट ना करे सब्सिडी की फॉर्म में राहत ना दे तो फिर ये जो सर्कुलर फ्लो है ना ये जो सर्कुलर मोशन था ये रिड्यूस होता होता छोटा होता रहेगा और इकोनॉमी डीग्रो करती रहेगी इकोनॉमी छोटी होती चली जाएगी इस लीकेज के ऑपोजिट होता है इंजेक्शन इंजेक्शन मींस एनीथिंग दैट एड्स टू दी सर्कुलर फ्लो हर वो चीज हर वो वेरिएबल जो हमारी इकोनॉमी के सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो को बढ़ाना शुरू करे बढ़ाता जाए इंक्रीज करता जाए तो फिर उसको हम इंजेक्शन बोलते हैं

इंजेक्शन तो जब हाउस होल्ड सेक्टर या फर्म सेक्टर बोरो करता है पैसा और उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट एक तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है वो इस सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो को बढ़ाएगी बिकॉज विद द इन्वेस्टमेंट मोर गुड्स एंड सर्विसेज विल बी सर्विस विद मोर गुड्स एंड सर्विसेज मोर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी मेड जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा तो वो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया गया प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंचेगा प्रोड्यूसर सेक्टर उसी पैसे का इस्तेमाल करके फिर रेंट इंटरेस्ट वेजेस पे करेगा तो ये जो सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है और ये बढ़ता चला जाएगा इसीलिए हम इस इंजेक्श इस इन्वेस्टमेंट को इस को हम इंजेक्शन का नाम गवर्नमेंट भी अगर पैसा इन्वेस्ट करे स्पेंड करे हेल्थ सर्विसेज के ऊपर एजुकेशन के ऊपर डिफेंस के ऊपर तो ये जो सरकार ने पैसा खर्च किया ये भी तो हमारे इस सर्कुलर फ्लो को बढ़ाएगा अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर फैक्टर इनकम्स के ऊपर जो पैसा स्पेंड किया जाता है उसको हम इंजेक्शन का नाम देते हैं एक्सपोर्ट्स भी इंजेक्शन का ही एक फॉर्म है क्यों क्योंकि जब हम यहाँ से सामान बाहर रेस्ट ऑफ दर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से पैसा इंडिया में आएगा यानी कि वो हमारे एक सर्कुलर फ्लो में जुड़ेगा पैसा जिसके कारण हमारा सर्कुलर फ्लो बढ़ जाएगा तो इम्पोर्ट जैसे घटाता था सर्कुलर फ्लो को एक्सपोर्ट हमारे सर्कुलर फ्लो को बढ़ाता है इसीलिए वो इंजेक्शन है और लास्ट में इंजेक्शन इंक्रीज फ्लो ऑफ इनकम द सर्कुलर फ्लो इन दी इकॉनमी जैसे लीकेज रिड्यूस करता है वैसे ही इंजेक्शन बढ़ाते हैं अंत में एक बात समझ लो अगर इंजेक्शन और लीकेजेस बराबर हो जाए तो जो सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी का वो स्टेबल हो जाएगा यानी कि ना सर्कुलर फ्लो ना इकॉनॉमी का साइज बढ़ेगा ना ही घटेगा अगर इंजेक्शन ज्यादा होंगे लीकेज से तो ये फ्लो सर्कुलर फ्लो इंक्रीज करेगा क्यों क्योंकि सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो में एड ज्यादा हो रहा है इंजेक्शन ज्यादा हो रहा है और लेस माइनस इंजेक्शन लीकेज कम हो रहा है तो इंजेक्शन ज्यादा लीकेज कम तो साइज बढ़ेगा और इसका उल्टा कर दें कि अगर हम इंजेक्शन को कम कर दें लीकेजेस से तो ये जो सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो है ये कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा यानी कि हमारा इकोनॉमी का साइज सिकुड़ने लगेगा घटने लगेगा वो डी ग्रो करेगी ठीक है इन सब में से बढ़िया सिचुएशन कौन सी है आपको लगती बढ़िया सिचुएशन ये है यानी कि जब एक देश एक इकोनॉमी का साइज बढ़े आज हम चार ट्रिलियन पे हैं फिर पांच ट्रिलियन हो जाए फिर दस ट्रिलियन हो जाए फिर बीस ट्रिलियन हो जाए ये तभी पॉसिबल है जब सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो बढ़े जब इकोनॉमी ग्रो करे ठीक है सो so यहां तक हमने अपना बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आज खत्म कर लिया है इसके बेस पे हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो आगे आने वाला है उसमें हम यही वर्ड्स यूज़ करेंगे कंजम्पशन प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट सेविंग लीकेज इंजेक्शन ये सारी बातें जो हैं जो हमने आज सीखी हैं यही आने वाले हम आगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सीखेंगे उसके बाद हम एग्रीकेट डिमांड एग्रीकेट सप्लाई और इक्लिब्रियम एक, ऑफ द इकोनॉमी में समझने वाले हैं तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है आज खत्म हो गया मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ रिविजन के साथ आप मेरे साथ इसी चैनल पर बने रहेंगे गुड बाय